इस वक्त की बड़ी खबर जेएनयू के पूर्व छात्र नेता शैला राशिद को लेकर सामने आ रही है। बता दें शैला राशिद पर मुकदमा चलेगा राष्ट्रद्रोह का। इसी के साथ आपको बता दें दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने इसको मंजूरी दे दी है। शैला ने सेना के खिलाफ ट्वीट किया था जिसको लेकर अब उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शैला राशिद अक्सर विवादित बयानों से घिरी रहती हैं। वो अक्सर कई ऐसे ट्वीट्स करती हैं जिनसे वो विवादित बयानों में आ जाती हैं। फिर चाहे बात हो टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करने की या फिर बात की जाए भारतीय सेना पर गलत टिप्पणी करने की, लेकिन अब उनके बयान उन्हीं पर भारी पड़ सकते हैं। बता दें 18 अगस्त 2019 को शैला ने भारतीय सेना को लेकर कई विवादित बयान दिए थे। इतना ही नहीं, एक के बाद एक कई ट्वीट कर भारतीय सेना के खिलाफ कश्मीर लोगों पर अत्याचार करने के संगीन आरोप तक लगाए थे। इन ट्वीट्स के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने शैला के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया था। हालांकि भारतीय सेना ने शैला के आरोपों को खारिज कर दिया था। तब से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था कि शैला पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज चलाया जाए या फिर नहीं, लेकिन अब इस संबंध में सरकार द्वारा भेजी गई फाइल पर अब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुकदमा चलाने को लेकर मंजूरी दे दी है। वहीं आपको बता दें शैला राशिद ने जेएनयू से पढ़ाई खत्म करने के बाद एनआईटी श्रीनगर से इंजीनियरिंग की। इसके बाद उसने बतौर इंजीनियर नौकरी भी की। नौकरी में रहने के दौरान जल्द ही उनका वहां से मोह भंग हो गया, फिर वो राजनीति में भी आ गई, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिली। फरवरी 2016 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कार्यक्रम के दौरान देश विरोधी नारे लगे थे। तब शैला राशिद जेएनयू के उपाध्यक्ष थी और कन्हैया कुमार अध्यक्ष थे। देश के विरोधी नारों के आरोप से घिरे कन्हैया को जेल तक जाना पड़ा था, लेकिन शैला बची रही। वहीं कन्हैया कुमार समेत विश्वविद्यालय में छात्रों पर आरोप लगने के बाद वह मुखर हो गई थी। पुलिस मुख्यालय से लेकर तमाम जगहों पर प्रदर्शन में वह शामिल रही थी। उन्होंने कई जगहों पर मोर्चे किए और कन्हैया कुमार पर लगे आरोपों को खंडन करने के साथ विरोधी गुट के छात्र संगठन को कटघरे में खड़ा कर दिया था। फिलहाल इसकी जांच अभी जारी है, लेकिन सेना पर किए गए ट्वीट पर गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के गृह विभाग ने फाइल पर अपनी टिप्पणियों में कहा, सेना के खिलाफ झूठे आरोप लगाना एक गंभीर मुद्दा है। आपराधिक कानून के तहत हर ट्वीट पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, लेकिन इस मामले में इस तरह के ट्वीट को जम्मू कश्मीर में धार्मिक अशांति फैलाने के प्रयास में देखा जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता धारा 153 आईपीसी की धारा 153 के मुताबिक जो भी कोई अवैध बात करके किसी व्यक्ति के द्वेष भाव या बेहूदगी से प्रकोपित करने के आशय से या संभावे जानते हुए करेगा कि ऐसे प्रकोपन के परिणाम स्वरूप उपद्रव का अपराध हो सकता है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया है हमें जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहे वीके न्यूज़। वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम।